अस्सलाम वालेकुम, आज एक नई वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर है। आज हम अपना गार्डन से अपडेट देंगे कि गार्डन में हमने क्या उगाया था अभी तक, उसने क्या बोलते नहीं, क्या उगा क्या नहीं उगा, क्यों नहीं उगा, और इसके अलावा गार्डन के जो जो अपडेट होते हैं, जो सफाई करनी है जिस तरह, वो भी आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह करना है, कब करना है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ देंगे। ये गार्डन में हमने साग बोया था, जो इस पर वीडियो हमने बनाई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छा उगा है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें उगे हैं, जो भी और तरह के जहाँ पे लोकल और नेचुरली साग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें पसंद नहीं करते। जो हमने साग बोया था वो शेन का साग, वो तकरीबन काफ़ी बड़ा हो चुका है। वो ये रहा, ये उसका अपडेट है, कुछ ये रहे, कुछ ये रहे, और वहाँ तक तकरीबन वो निकल चुका है सारा। और इसके अलावा भी उस तरफ हमने वहाँ से बकरियाँ आने का ख़तरा था, तो हमने बाट लगा दिया ताकि ये बकरियों से महफूज रहे। साथ में ये हमारी मेंट थी, पुदीना थी, जो भी के काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ और सब्ज़ियाँ मैंने उगाए थे यहाँ पे, टमाटर, ये टमाटर के कुछ पौधे हैं ये मैंने रखे थे, और साथ में ये मिर्च, लाल मिर्च जो होती है तीखे वाले, ये भी टमाटर का पौधा है, ये मिर्च का पौधा है, ये मैंने लगाए थे। और इसके अलावा ये पौधा मिर्च का है, और ये आई थिंक ये बैंगन है, बैंगन, ब्लैक बैंगन है, और ये फिर इसका मुझे नहीं पता, ये मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये साथ में ये भी उगा है। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें आज ये उगे हैं, ये वाले, मैं इसकी कुछ सफाई करूँगा। हमारे गार्डन में एक बड़ी साइज़ की अंजीर है, जो बड़ी साइज़ के, वो ना यहाँ के नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़े होते, जो कि हमारे घर में नॉर्मल साइज़ की एक अंजीर भी है अब, जो कि ये है। अभी इसका सीज़न आने वाला है, इसने अंजीर पकड़े हैं, मतलब थोड़े थोड़े पकड़े हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये जुलाई के एंड तक तकरीबन तैयार हो जाएंगे, तभी हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे, खाएंगे भी, आपको भी दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ प्याज लगाए थे थोड़े से, जो कि उगे हैं, और ये प्याज के कुछ पौधे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्याज के कुछ पौधे ये मैंने यहाँ पर लगाए थे। और ये लेमन का एक पौधा है जो कि लगाया हमने, ये साथ में लोकार्ट, ये लोकार्ट के कुछ पौधे लगाए हैं जो हुए हैं, और स्पेशली जो बाट मैंने लगाया है, वो स्पेशली किसने लगाया है वो आपको बताता हूँ। जो बाट मैंने स्पेशली लगाया था यहाँ पे, मैंने ग्रेप के, स्पेशल ग्रेप का एक पौधा लगाया था, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा, उसे बकरियों ने चबा के ऊपर नीचे से काफ़ी बच्चे सारे खाए, तो इस वजह से मैंने बाट लगा देता है ताकि आइंदा दूसरे पौधे भी महफूज रहे और ये भी महफूज रहे। तो उसके लिए अभी मैंने छोटा सा बाट इसके गिर भी लगाया, और स्पेशली जो आने का रास्ता था वो भी मैंने बंद कर दिया, जो उस तरफ से आने का रास्ता था वो बाट, वो भी मैंने बंद कर दिया है। ये एक छोटा सा पौधा था घेमी का, जो कि इस पर मैंने वीडियो पे आपको दिखाया था, लेकिन यह अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, अगले साल से ये शायद फल देना शुरू कर दे। इसके अलावा ये फूलों के पौधे हैं, और ये वहाँ का बाट दिख रहा है। ये कुछ पौधे थे जो कि मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा थे उखाड़े, लेकिन ये ऐसे पौधे नहीं, ये फूल के पौधे, फूल के, अब मैंने यहाँ से इनको उखाड़े हैं, इनके जड़े पे ये मैं दूसरी जगह लगाऊंगा, ताकि वहाँ पे मतलब तो गार्डन साफ हो और दूसरी जगह हमें फूल भी मिले। ये फूल पिछले साल यहाँ पे फूल थे, वो पीछे गिरे थे, ये उसकी वजह से निकले, तो अभी हम सफाई करते रहते हैं, तो हमारे साथ रहेगा।
ये पौधे के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे उनको उखाड़ना पड़ता है ताकि जो प्रॉपर पौधे हमने लगाए हैं उनको न्यूट्रिशन मिलते रहे और एक्स्ट्रा ये पौधे जो है वो उनसे न्यूट्रिशन खींचने लें, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं और पावरफुल होते हैं जो हम लगाते हैं उन पौधों से ती रहे। इसके अलावा इन्हें यूरिया भी दी जाती है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक ये ग्रो होना पड़ा उसमें मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये पौधा यहाँ पे लगाया था लेकिन ये सूखा है, पता नहीं शायद नीचे से किसी कीड़े ने काटा है इसलिए तो ये सूख गया है। जहाँ पे पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कीड़े भी, आपको देख सकते हैं ये कीड़े भी है या यहाँ पे, इसके लिए स्प्रे भी करना पड़ता है। लेकिन अब हमारे पास ये किचन गार्डन है तो इसके लिए हम स्प्रे नहीं बल्कि इसको नेचुरल खाद से कोशिश करेंगे उगाते रहेंगे। और ये यहाँ के जो पौधे हैं उनमें ये कीड़े होते हैं, ये इनको ज़्यादातर इनके पत्ते खाते, कोई कीड़े बिल्कुल ज़मीन के अंदर होते हैं जो तो जड़े को काट देते हैं। ये यहाँ पे सौंफ का एक छोटा सा पौधा उगा है हमारे पास, और भी जगह पे बड़े बड़े, लेकिन एक छोटा सा यहाँ उगा है और अच्छा लगेगा। ये एक छोटा सा पौधा है, ये बड़ा होके इतना बड़ा सा पौधा बन सकता है। ये जो बड़ा सा पौधा है ना मेरे पास, वो छोटा सा बड़ा होके इस तरह बन सकता है, इतना बड़ा उसका तना भी बन सकता है ये, लेकिन ये भी छोटा सा। इसके और भी बहुत सारे बीचे गिर के पौधे निकले, ये है उसका भी, ये बड़ा होके इस तरह बन सकता है। लेकिन हमने सबको यहाँ पर बड़ा नहीं करना, सब कुछ को हटाना भी है यहाँ से। हमने काफ़ी सफाई की है, अभी उसको थोड़ा बहुत पानी देना होगा। आज की वीडियो ये थी, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी लगी। कि अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा फेसबुक का पेज है वो भी लाइक कीजिएगा, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मिल सकते हैं, अगर चाहे तो हमें भी वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।